welcome to BBBN online classes, and in our previous video we were reading the chapter Wishing, that is written by Ella Wheeler Wilcox. और यहाँ पर जो है वो पॉइंट जो है वो विश कर रहा है और उसके लिए सोल्यूशन भी दे रहा है कि अगर आप एक चीज़ विश करते हैं तो आपको जो है उसके लिए क्या करना चाहिए. जैसे कि फर्स्ट थिंग जो है उसने कहा है कि अगर आप ये विश करते हैं कि ये दुनिया थोड़ी अच्छी हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट अ वॉच अपॉन योर एक्शंस, कीप देम ऑलवेज स्ट्रेट एंड ट्रू. तो हमें अपने एक्शंस जो हैं वो उन पर नज़र रखनी पड़ेगी और उनको अच्छे से करना रहेगा. देन अगर हम विश करते हैं कि वर्ल्ड जो है वो थोड़ा ज़्यादा वाइज हो जाए, थोड़ा और इंटेलिजेंट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अक्यूमुलेटिंग विजडम इन द स्क्रैप बुक ऑफ योर हार्ट. तो हमें जो विजडम है उसको अपने दिल में इकट्ठा करना पड़ेगा. इट मीन्स पहले हमें नॉलेज गेन करनी है तो हमारा वर्ल्ड जो है वो ऑटोमेटिकली वाइज हो जाएगा. देन वो जो है पॉइंट हमें ये कहता है दैट डू नॉट वेस्ट वन पेज ऑन फॉली, कि अपने जीवन का एक भी पेज जो है वो किस पर वेस्ट मत करो, फॉलीज पर, यानी कि गलत लोगों पर और गलत डीड्स पर, गलत वर्क्स पे. लिव टू लर्न एंड लर्न टू लिव, जियो ताकि सीख सको और सीखो ताकि अपने जीवन को अच्छे से जी सको. इफ़ यू वॉन्ट टू गिव मैन नॉलेज, अगर तुम किसी और को क्या करना चाहते हो, नॉलेज देना चाहते हो, जस्ट गेट इट और यू गिव, क्योंकि उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस नॉलेज को खुद गेन करना पड़ेगा इससे पहले कि आप किसी को नॉलेज दें. देन डू यू विश द वर्ल्ड वॉज हैप्पी, then remember day by day just to scatter seeds of kindness as you pass along the way. तो वो नेक्स्ट पैराग्राफ में पॉइंट जो है वो कहता है कि अगर आप ये विश करते हैं कि ये दुनिया और ज़्यादा खुश हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, then remember day by day, तो हर दिन एक बात याद रखो, just to scatter, scatter का मतलब होता है बिखेरना. क्या बिखेरना है हमें, seeds of kindness, यानी कि दयालुता के बीज जो हैं वो हमें हर दिन बिखेरने हैं. as you pass along the way, जहाँ से भी आप गुजरें, वे यानी रास्ता, तो जहाँ से भी आप गुजरे वहाँ पर जो काइंडनेस के सीड्स हैं वो बिखेरते जाएं. इट मीन्स हेल्प अदर्स, सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए, शेयर अदर्स, शेयर विद अदर्स एंड हेल्प अदर्स. आप जो हैं हमेशा लोगों की हेल्प करते हुए, लोगों की जो नीड्स हैं उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ें तो ये दुनिया जो है वो खुश ऑटोमेटिकली हो जाएगी. फॉर द प्लेजर ऑफ द मैनी आर ऑफ्ट ट्रस्ट टू वन एज द हैंड दैट प्लांट्स एंड एक्रन शेल्टर्स आर्मीज फ्रॉम द सन. ठीक है, तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, प्लेजर ऑफ द मैनी, बहुत सारे लोगों को आनंद देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, आर ऑफ्ट टाइम स्ट्रेस्ड एट वन, तो हमेशा याद रखिए कि जो टाइम है वो एक इंसान के लिए खड़ा हुआ है. एज द हैंड दैट प्लांट्स एंड एक्रॉन, क्योंकि वो एक हाथ जो क्या करता है, एक छोटे से बीज को प्लांट करता है, उसको एक पौधे के रूप में बड़ा बनाने के लिए एक बीज जो है उसको बोता है. शेल्टर्स आर्मीज फ्रॉम द सन, और वही एक दिन एक्रन जो है, एक आदमी का लगाया हुआ पौधा जो है वो एक दिन शेल्टर मतलब छाया देता है आर्मीज को. आर्मीज मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग होते हैं उनको, फ्रॉम द सन, किससे शेल्टर देता है, सन से. इट सिंपली मीन्स कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप दुनिया को खुशी दे सकें तो हमेशा याद रखिए कि एक छोटा सा पौधा जो एक इंसान ने लगाया है वो काफ़ी सालों तक बना रहता है, जब तक एक प्लांट ना बन जाए, और जब वो एक प्लांट बनता है तो वो काफ़ी लोगों को छाया देता है. इसी तरीके से आपका एक छोटा सा वर्क जो है वो काफ़ी सारे लोगों को क्या कर सकता है, खुशी दे सकता है. तो टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज आंसर दीज क्वेश्चन विज रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट. इट मीन्स आप जो है इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जो आपको रेफरेंस में जो लाइंस दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग. डोंट वेस्ट वन पेज ऑन फॉली, लिव टू लर्न एंड लर्न टू लिव. व्हाट पेज इज द पॉइंट रेफरिंग टू हियर, यहाँ पर पेज से पोएट का क्या मीनिंग है. सो यहाँ पर पेज जो है वो टाइम जो है उसको सिग्निफाई कर रहा है.
हाउ वुड अ पेज बी वेस्टेड ऑन फॉली, एक पेज जो है वो किस तरीके से फॉलीज पर वेस्ट होता है। अ पेज इज वेस्टेड इफ वी हैव नेगेटिव थॉट, कि हमारी लाइफ का एक पेज वेस्ट हो जाएगा अगर हम जो हैं हमारे पास में नेगेटिव थॉट्स होंगे, बुरे विचार होंगे। What does live to learn suggest? Live to learn जो है वो हमें क्या suggest करता है? Live to learn suggest that we should always learn something new. It means हमें हमेशा जो है कुछ नया सीखते रहना चाहिए। Then find words or expression in the poem that mean the same as the following. To gather something over a period of time, it simply word जो है वो इस poem में use हुआ है, that is accumulate. Comfort or ease, it means pleasure. A single person can make a big difference, it means trust to one. यानी कि एक इंसान जो है वो बहुत बड़ा difference ला सकता है, जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा कि एक इंसान का लगाया हुआ पौधा जो है वो कई लोगों को छाया देता है, उसी तरीके से अगर आप एक कोई भी चीज़ करते हैं तो वो बहुत बड़ा difference जो है वो इस दुनिया में create करती है। Then answer these questions. What three wishes are expressed in this poem? कौन सी तीन विश हैं जो इस पोएम में एक्सप्रेस की गई हैं? द वर्ल्ड वर बेटर प्लेस, द वर्ल्ड वर वाइजर एंड द वर्ल्ड वर हैप्पी, कि ये दुनिया जो है एक अच्छा जगह बने, ये दुनिया जो है और वाइज बने और ये दुनिया जो है वो और भी हैप्पी बन जाए। What qualities are associated with being straight and true? कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो जब आप स्ट्रेट रहेंगे और ट्रू रहेंगे तो उससे एसोसिएट करती है। इफ़ आर एक्शंस आर स्ट्रेट एंड ट्रू देन द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, कि अगर हमारे एक्शन जो हैं वो सही होंगे, ट्रू होंगे, तो ये दुनिया जो है वो एक अच्छी जगह बनेगी। द पोइट लिस्ट 5 डूज एंड 1 डोंट इन द पोएम, व्हाट आर दे? पोइट जो है इसने 5 चीज़ें हमें करने के लिए कही है और एक चीज़ ना करने के लिए कही है, तो वो चीज़ें कौन सी हैं? 5 डूज आर Keep your action straight and true. पहली चीज़ क्या है कि हमें अपने जो भी actions हैं वो सही रखने चाहिए, true रखने चाहिए। दूसरा accumulating wisdom, हमें हमेशा जो भी knowledge है उसको gain करने में लगे रहना चाहिए। तीसरा है live to learn, हमें हमेशा सीखने के लिए जीना चाहिए। फोर्थ है learn to live, और इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम एक अच्छी life जी सकें। फिफ्थ है स्प्रेड सीड्स ऑफ काइंडनेस, यानी कि हमें हमेशा जो है लोगों की हेल्प करते हुए लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए। वन डोंट इज़, और एक चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए, डू नॉट पेस्ट वन पेज ऑन फॉली, यानी हमें अपनी लाइफ का एक भी पेज जो है, हमें एक भी टाइम जो है, एक भी मोमेंट जो है वो फॉली नेगेटिव थॉट्स के साथ में वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द एक्सप्रेशन सीड्स ऑफ काइंडनेस सजेस्ट, कि ये जो एक एक्सप्रेशन लिया है सीड्स ऑफ काइंडनेस फ्रेज है, ये हमें क्या सजेस्ट करती है? The people must remember to do little acts of kindness each day as they pass through the journey of life. It means that one should be generous and helpful to others. It simply means कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी हम अपनी लाइफ में हैं तो हमें हमेशा लोगों के साथ में काइंडनेस के साथ में बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा जनरस और हेल्पफुल रहना चाहिए लोगों के साथ में। थैंक यू।